सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉगी फॉगी। तो आज हम बात करने वाले जिस डॉग ब्रीड के बारे में वो है पग। तो ये डॉग बेसिकली चाइना में डेवलप किया गया था। इसको डच बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस डॉग का बहुत ही ज़्यादा रिंकल्ड फेस होता है, फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, टेल इसके बहुत ज़्यादा कर्ल टेल होती है। इसका जो कोट होता है बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी, बहुत ही ज़्यादा शाइनी कोट होता है, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स में मिलता है, वेरिंग फ्रॉम लाइट ब्राउन टू डीप ब्राउन, इवन रेडिश ब्राउन और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होता है। इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, स्क्वायर शेप में होती है, मसल्स वगैरह वेल डेवलप्ड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल डॉग होता है, फैमिलियर डॉग होता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा जेल अप करता है। इस डॉग को यूरोप में लाया गया था 16th सेंचुरी में चाइना से, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। हाइट और वेट की बात कर ले तो मेल्स की हाइट 10 to 11 इंच तक जाती है, वहीं फीमेल्स की हाइट 8 to 10 इंच तक जाती है। वेट की बात कर ले तो मेल्स की वेट 6 to 8 kg तक जाती है, वहीं पर फीमेल्स की वेट 5 to 7 kg तक जाती है। इस डॉग में एक प्रॉब्लम ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके जो नॉस्ट्रिल्स वगैरह होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, जो नोज़ वगैरह होते हैं इससे नॉस्ट्रिल्स जाने वाली जो पाइप होती है वो बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखा गया है। एक चीज़ और इसमें होती है कि इसके बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्स वॉकिंग एक्सरसाइज या ज़्यादा घूमने वगैरह के वजह से अगर टेम्परेचर राइज करता है और ये 42 तक चला जाता है, इसके बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस डॉग में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, टेम्परेचर हमेशा लो मेंटेन करके रखना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।